अब देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना, जो कंसेप्ट नंबर टू मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना। अभी कंसेप्ट नंबर वन हमने समझा था और कंसेप्ट नंबर टू में क्या डिफरेंस है ध्यान से समझना। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, मतलब हमको वही नया रेशियो कैलकुलेट करना है और उसमें कंसेप्ट नंबर टू है। जब नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, वो पहले कंसेप्ट नंबर वन में भी था, एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। अब सिर्फ ये चेंज है, कंसेप्ट नंबर वन में क्या मानते थे, हमको न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर गिवन नहीं होता था, तो हम क्या मानते थे कि इनका जो फ्यूचर में रेशियो वो ओल्ड के बराबर होगा। बट हमको क्या बोल रहा है, नए पार्टनर का शेयर तो दिया हुआ है और फ्यूचर में ओल्ड पार्टनर किस में शेयर करेंगे हमको वो भी दिया हुआ है। एग्जांपल क्या बोल रहा है, ए और बी पार्टनर है, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट इन 2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर से ध्यान देना, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। फ्यूचर मतलब भविष्य में, अभी नहीं, आगे ए और बी किस में शेयर करेंगे, 2:1 में करेंगे। अब तुम सबसे पहले बताओ क्या ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो गिवन है क्या, तो ये तो क्लियर है कि ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो गिवन नहीं है। अब अगर ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो गिवन नहीं है, मतलब ए और बी का एग्वेसिव आता है एग्जिस्टिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो सिंस एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज नॉट गिवन, तो वो इट इज इक्वल मानेंगे। अच्छा, अब वापस हम लोग मानते हैं कि लेट टोटल शेयर इक्वल टू वन। वन मतलब अभी जो पिज्जा है वो ए और बी के पास ही था और वो इक्वल बढ़ता था दोनों में, ए को भी इतना मिलता था और बी को भी इतना मिलता था। अब इनके बीच में एक नया पर्सन आता है सी। अब इनके बीच में क्या होता है, एक नया पर्सन आता है सी, और सी आकर के क्या बोलता है कि मेरा जो हिस्सा है ना वो 1/4 होगा। तो सी ने वापस क्या बोला कि ये जो पिज्ज़ा है, इस पिज्ज़ा के अगर ऐसे हिस्से होंगे तो मेरा हिस्सा ये वाला मेरा हिस्सा होगा, मतलब ये सी का हिस्सा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पिज्ज़ा का एक बाइट तो ऐसे सी के पास चला गया और अब जो बचा ये दो, ये ए और बी में बचा है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये सी के पास चला गया और ये ए और बी के पास है। अब हम लोग पहले जो केस है उसमें क्या अज्यूम करते थे कि ए और बी इसको उसी में बांटेंगे जो पहले चलता था, लेकिन इस केस में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब जो हिस्सा बचा है वो 3/4 है। ये तो क्लियर है, अगर मैं लेट टोटल शेयर इक्वल टू वन मानूँ तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर रिमेनिंग आएगा 1 - 1/4 3/4। तो अब मैं कहता हूँ ए और बी, ए के सामने भी 3/4 है, बी के सामने भी 3/4 है, लेकिन इनने क्या पहले एग्री कर लिया था कि फ्यूचर में हमारा हिस्सा हम कैसे बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे। तो ए और बी ने पहले एग्री कर लिया फ्यूचर में हम 2:1 में बांटेंगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा है 3/4 वो 2:1 में बटेगा। तो 6/12 और 3/12, और सी का क्या हो जाएगा 1/4 है, तो बेस सेम कर दूं तो 3/3, तो 3/12। तो आप देखो नया रेशियो क्या आता है आपके बीच में, तो नया रेशियो आता है 6:3:3, और मैं इसको लिख दूं 2:1:1, दिस इज माय न्यू रेशियो। अच्छा, अब अगर मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू। अब इनका अगर नया रेशियो निकालने के बाद मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब बताओ इनका ओल्ड रेशियो तो 1:2 था, इक्वल था, कुछ भी नहीं गिवन था। न्यू रेशियो 2/4 एंड 1/4, तो 4 2 - 2, तो इसका निल होगा 4 2 - 1, तो 1/4। तो बी ने सेक्रीफाइस किया है ए की सी की तरफ, तो बी ने 1/4 सेक्रीफाइस किया है टुवर्ड्स सी, ए का सेक्रीफाइस निल है, ठीक है ना। अब अभी जो एग्जांपल किया उस पैटर्न पे मेरे को एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा देता हूँ, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है नाइन्थ के अंदर। ये सब पैटर्न अलग अलग है ना, मैं सारे पैटर्न आपको 1 by 1 समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी जो पैटर्न किया उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 9th का पार्ट नंबर 6 है, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर, ठीक है। तो ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, ए और बी ने क्या सोचा फ्यूचर में हमको इक्वल शेयर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वाइट सिंपल है। तो ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो हमको गिवन है
3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, और ए और बी ने क्या सोचा कि फ्यूचर में दे विल बी शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। तो अब लेट टोटल शेयर हम लोग 1 ले लें, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 माइनस 1/4 3/4। अब ए और बी दोनों को 3/4 3/4 मिलेगा, लेकिन इस 3/4 में से ये दोनों ने क्या सोचा, हम इक्वली बांटेंगे इसको। अगर ये नहीं होता ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ये केस नंबर 1 ही बन जाता। हम लोगों ने क्या माना है कि अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है तो फिर उस हिसाब से वर्क करेंगे। अब इस केस में क्योंकि बोल रहा है इक्वल है, वरना क्या मानते कि ओल्ड में ही जाता। तो 3/8 3/8 और सी का 1/4 है, तो 2/2 तो 2/8, तो आपका जो नया रेशियो आता है वो आता है 3:3:2। योर न्यू रेशियो इज 3:3:2। सेक्रीफाइजिंग रेशियो आराम से निकाल सकते हो ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ओल्ड रेशियो हमारा 3/5 है माइनस 3/8 और 2/5 माइनस 3/8। इसको सॉल्व कर लो, आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना।